चलो स्टार्ट करते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने थे? 10,000 के। अगर कुछ भी नहीं बोल रखा होता तो कंपनी के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जिम्मेदारी किसकी होती है पे करने की? कंपनी की जिम्मेदारी होती है। और ये मान लो कि कंपनी ने क्या कर दी, पे ऑफ कर दी। कंपनी की जिम्मेदारी थी, किसने पे कर दी? कंपनी ने पे कर दी। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट कितना? 10,000। 10,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 पर पेड बाय तरन अ पार्टनर। 5,000 के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसने पे करे है? पार्टनर ने। एक्चुअल में जिम्मेदारी हाँ किसकी होती है? कंपनी की। पार्टनर ने पे करा तो अब कंपनी की लाइबिलिटी किसके टूवर्ड्स इंक्रीज हो जाएगी? तरन के तरफ। तो कंपनी जो है तरन की कैपिटल को क्या कर देगी? इंक्रीज कर देगी। तो रियलाइजेशन टू तरन कैपिटल क्या करेंगे? रियलाइजेशन टू तरन कैपिटल, बेटा ये जो थी हमारी लाइबिलिटी कंपनी की क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। उसको क्या कर दिया हमने? क्रेडिट कर दिया। ठीक है, आगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 वॉज पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदान अ पार्टनर। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 है आदित्य, किसने पे करी है? कंपनी ने। किसके बिहाफ पर? मदन के हिसाब से। तो एक्चुअल में किसको पे करना था? मदन को। जिम्मेदारी किसकी थी? मदन की। लेकिन पे किसने कर दिया? कंपनी ने पे कर दिया। तो जिम्मेदारी मदन की थी और किसने पे कर दिया? कंपनी ने पे कर दिया। तो भैया देखो 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 देखो, लाइबिलिटी किसकी थी? पार्टनर की, पेड बाय द कंपनी। तो कंपनी क्या करेगी फिर? बोलो बोलो बोलो, कंपनी क्या करेगी? मदन की कैपिटल को कम कर देगी। कि भाई मदन, मैं तेरे को इतने पैसे फ्यूचर में क्या करूंगा? कम दूंगा, क्योंकि तेरी एक लाइबिलिटी थी वो मैंने पे कर दी। अब भैया कंपनी के पैसे तो जा रहे हैं ना, तो कैश तो कम हो रहा है, एसेट कम हो रही है, और कंपनी की लाइबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो उसको डेबिट करेंगे। फर्स्ट वाला रियलाइजेशन है कंपनी, अच्छा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 10,000, ये मान के पे कर दी। पवन अ पार्टनर वॉज पेड सैलरी रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 20,000 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो पवन एक पार्टनर था, उसको हमने क्या पे करी भैया? सैलरी पे करी, रेम्यूनरेशन। उसके अंदर कितने का खर्चा था? 20,000 का, टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। हमने क्या बोला? भाई तेरे को 20,000 रुपए दे रहा हूँ, तेरे को क्या करना है? पूरा डिसोल्यूशन करके देना है। एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने के हुए? 10,000 के। तो मान लो मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सामने वाले ने क्या कर दिया सस्ते में। मान लो मैं किसी को घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, तो मैंने निखिल को कॉन्ट्रैक्ट दिया 20 लाख रुपए का। निखिल ने बोला सर मैं 20 लाख में घर बना दूंगा, लेकिन एक्चुअल में इसकी जेब से कितने पैसे लगे? 12 लाख। तो 8 लाख तो इसका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे को तो सीधा कौन सी एंट्री पास कर दिया, मैंने कितने पैसे दिए थे भाई? 20 लाख रुपए। तो यहाँ पे मैंने कितने पैसे दिए थे उसको? 10,000 रुपए, लेकिन 20,000, लेकिन उसने काम कितने में कर दिया? 10,000 का। ठीक है, तो मैं तो कितने की एंट्री पास करूंगा? 20,000। एक्सपेंसिस इनकर्ड वर पेड बाय पवन। भाई पवन की जिम्मेदारी थी, पवन ने क्या कर दिया? उसको पे कर दिया। और मैंने पवन को कितने पैसे दिए? सिर्फ 20,000 रुपए। तो ध्यान से देखो, रियलाइजेशन टू पवन कैपिटल, मैंने उसको कितने का प्रॉमिस करा था? 20,000। अब उसने काम चाहे 10,000 में कर दिया, मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे को उससे मतलब नहीं है। ठीक है बच्चों, यस, अपने को तो कितने से मतलब है कि हमने उसको कितने पैसे देने का प्रॉमिस करा? 20,000। तो अपनी लाइबिलिटी कितने से बढ़ गई दोस्तों? 20,000 रुपए से बढ़ गई लाइबिलिटी। बढ़ गई तो क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ठीक है, पवन की कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। आगे चलते हैं। देखो, डेजोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8,000। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेजोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने के थे? 8,000 के। आउट ऑफ द सेड एक्सपेंसेस 3,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म। टोटल 8,000 का खर्चा था डेजोल्यूशन का, उसमें से 3,000 का खर्चा कौन बियर कर रहा है? कंपनी। एंड द बैलेंस बाय रवि, और बाकी का 5,000 कौन पे करेगा? रवि आ पार्टनर। 8,000 वर पेड बाय द फर्म। देखो कायदे से क्या था, टोटल खर्चा था अपना 8,000 रुपए का, जिसमें प्रॉमिस क्या हुआ था कि कंपनी कितना पे करेगी? 3,000 रुपए, और बाकी किसको पे करना पड़ेगा? पार्टनर को। कितना? 5,000। लेकिन पूरा का पूरा 8,000 किसने पे कर दिया? कंपनी ने पे कर दिया। तो कंपनी के बैंक अकाउंट से तो पूरा कितना पैसा जाएगा? 8,000 रुपए जाएगा। और कायदे से कंपनी की जिम्मेदारी कितने की थी? 3,000 की। तो कंपनी रियलाइजेशन में कितना डेबिट करेगी? 3,000, क्योंकि कंपनी की जिम्मेदारी कितने की थी? 3,000 की। और जो पार्टनर की जिम्मेदारी थी 5,000 की, वो कंपनी ने पे कर दिया, तो कंपनी अपनी लाइबिलिटी क्या कर देगी? कम कर देगी। कि भाई देख, तेरा खर्चा मैंने पे कर दिया, तो मैं 5,000 से तेरी लाइबिलिटी को क्या कर देता हूँ? कम कर देता हूँ। तो देखो ध्यान से, रियलाइजेशन अकाउंट को कितने से डेबिट कर दिया? 3,000 से। कंपनी ने रवि का खर्चा पे कर दिया, तो लाइबिलिटी कंपनी की क्या हो गई? कम हो गई। तो उसको क्या कर दिया? डेबिट। और कंपनी ने पूरा 8,000 रुपए पे करा है, तो कंपनी का एसेट कम हो गया, उसको क्रेडिट कर दिया। टोटल कितने से? 8,000 रुपए से। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3,000, रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश या फिर बैंक, कितना? 8,000 रुपए होगा टोटल। आगे चलते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 टू बी बॉर्न एंड पेड बाय करण अ पार्टनर। जिम्मेदारी किसकी थी? करण की। पे भी किसने करा? करण ने। कंपनी कोई जनरल एंट्री पास करेगी क्या यहाँ पे? कंपनी कोई भी एंट्री पास नहीं करेगी। जिम्मेदारी किसकी? करण की। वो भी किसका? किसने पे करा? करण ने। कंपनी ने तो कुछ पे नहीं करा, और कंपनी की जिम्मेदारी भी नहीं है, तो नो एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ द फर्म। एंट्री किसकी बुक्स में पास होगी? करण की।
मनोज अ पार्टनर इज टू बी कैरिड आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। मनोज एक पार्टनर था, उसको डिसोल्यूशन का बिजनेस करना है, और उसने कितने पैसे मांगे कंपनी से? 10,000 रुपए। तो कंपनी उसको पैसे, रियलाइजेशन टू मनोज कैपिटल, तो रियलाइजेशन टू मनोज कैपिटल कितना? 10,000। 10,000 कंपनी लाइबिलिटी इंक्रीज कर देगी। बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। तो देव एक पार्टनर है, उसको हमने सैलरी कितनी पे करी है? 15,000 की फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 8,000 वर्स पेड बाय द फर्म। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 के किसको पे करें हमने? फर्म को। अभी रुक जाओ, अभी थोड़ी देर में आ जाना, 7 बजे अभी। ठीक है जी, अभी देखो यहाँ पर देव एक पार्टनर था, उसने पे कराया रेम्यूनरेशन कितने का? 15,000 का फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, कंपनी के खत्म होने के लिए, खत्म करने के लिए उसने देव अ पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन। मैंने देव को कितनी सैलरी देने का प्रॉमिस करा? 15,000 का। किस चीज के लिए? कि भाई तू मेरी कंपनी को क्या करवा दे? डिसोल्यूट करवा दे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 के किसने पे करे हैं? कंपनी ने। कंपनी ने पे करे, तो कंपनी ने 15,000 एक देव को पे करा, और 8,000 रुपए का क्या कर दिया? रियलाइजेशन का एक्सपेंस कर दिया। तो देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव्स कैपिटल। देव को मैंने रेम्यूनरेशन कितने की पे करी? 18,000 रुपए की। तो मेरी कैपिटल लाइबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई, कि मैं उसको क्या देने वाला हूँ? रेम्यूनरेशन देने वाला हूँ। बच्चों और मैंने क्या करा? हाँ, 15,000 मैंने इसको, देखो ना रेम्यूनरेशन कितने का प्रॉमिस करा? 15,000 का प्रॉमिस करा है ना। अब कंपनी ने कितना पैसे पे करा? रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 8,000 रुपए। तो कंपनी के बैंक से कितने पैसे चले जाएंगे? 8,000 रुपीज। तो कंपनी का ये जो एसेट है ये कम हो जाएगा, इसको क्रेडिट कर दोगे तो रियलाइजेशन टू कैश या फिर बैंक कितने हो गए? 8,000 रुपए। सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हो आप। क्या बोल सकते थे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 23,000, टू देव्स कैपिटल 15,000, टू कैश अकाउंट 8,000। टोटल एंट्री भी पास कर सकते थे। फिर आगे चलते, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 वर टू बी बॉर्न बाय पवित। जिम्मेदारी किसकी थी? पवित की, पार्टनर की। हाउएवर इट वाज पेड बाय, लेकिन पे किसने कर दिया? हितेश ने, अनदर पार्टनर। इट वाज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब कंपनी किसको पैसे देगी बताओ? कंपनी किसको पैसे देगी? हितेश को। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 वर टू बी बॉर्न बाय पवित। पवित की जिम्मेदारी थी, लेकिन किसने पे कर दिया? हितेश ने। भाई एक बार बताओ, किसकी जिम्मेदारी थी? पवित की। पे किसने कर दिया? हितेश ने पे कर दिया। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी मानसू? है पवित तो हितेश, तो भैया निखिल बोल रहे हैं पवित तो हितेश करनी है, ऐसा क्यों निखिल बता बेटा? हितेश का था और पवित्र का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000, जिम्मेदारी किसकी थी? पवित की। हाउ वेर इट वॉज पेड बाय हितेश। फिर हितेश को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। क्यों कर दिया? लॉजिक तो कोई बात नहीं देगा नहीं। मतलब बताना, पवित तो हितेश क्यों बोला तूने? हाँ जी चिराग, पवित तो हितेश क्यों होगा? ध्यान से देख लो, क्वेश्चन पढ़ लो। हाँ भाई मानसू, तूने तो क्वेश्चन कर लिया था भाई, तू तो मेरे दोस्त बता दे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 वर टू बी बॉर्न बाय पवित, पवित को पे करना था। हाउ एवर इट वॉज पेड बाय हितेश अनदर पार्टनर। इट वॉज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। लाइबिलिटी किसकी थी? पवित की। और वो किसने बियर कर दी? हितेश। तो लाइबिलिटी अभी के लिए पवित की खत्म हो गई, लेकिन किसकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई? हितेश। तो अगर हितेश की लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, पवित की खत्म हो गई, तो भैया पवित की लाइबिलिटी अगर कम हो गई तो उसको तो क्या कर दिया हमने? डेबिट कर दिया। और हितेश की लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई तो उसको क्या कर दिया? क्रेडिट। क्योंकि हितेश ने बोल दिया अभी इसकी लाइबिलिटी कौन पे करूंगा? मैं पे करूंगा। तो लाइबिलिटी किसकी इंक्रीज हो गई? हितेश की। उसकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, क्रेडिट कर दिया। और अभी टेम्पररी बेसिस के लिए पवित की लाइबिलिटी तो क्या हो गई? कम हो गई। तो लाइबिलिटी कम हो गई तो उसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। ठीक है सर। यस भाई, जनरल एंट्री बहुत काम की चीज है, डिसोल्यूशन में काफी पूछी जाती है जनरल एंट्रीज। सेकेंड थर्ड और फोर्थ एंट्रीज दिखाऊं? सेकेंड थर्ड बुक नहीं है क्यों? चलो जी, अब 5 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट से बच्चे वाला क्वेश्चन कर लो। लास्ट बस ये अपना जनरल एंट्री का क्वेश्चन, फिर अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं, तो लास्ट एक मौका है आपके पास, कर लो फटाफट से। क्या लिखा हुआ है? एल एक पार्टनर था अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस। तो
एल एक पार्टनर है, उसको क्या देखना था, सारे डिसोल्यूशन का प्रोसेस देखना था, जिसके लिए मैंने उसको कितनी सैलरी देने का प्रॉमिस करा, 10,000। तो मेरी लाइबिलिटी तो बढ़ गई, रियलाइजेशन टू एल्स कैपिटल, रियलाइजेशन टू एल्स कैपिटल, कंपनी की लाइबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिट। ठीक है, कैपिटल जब बढ़ता है क्या होता है, क्रेडिट होता है। आगे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 वॉज पेड बाय द पार्टनर एफ। भैया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की वैसे किसकी लाइबिलिटी होती है पे करने की, कंपनी की, लेकिन कंपनी का किसने पे कर दिया, एम ने पे कर दिया, वर पेड बाय द पार्टनर एम। अब कंपनी किसको पे करेगी, एम को पे करेगी, तो रियलाइजेशन टू एम्स कैपिटल कितना, 8,000। 8,000 कंपनी की लाइबिलिटी बढ़ गई ना, कि भैया अभी मेरे को पैसा किसको देना पड़ेगा, आगे चल के एम को पैसे देने पड़ेंगे। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने के थे, 5,000 के। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने के, 5,000 के, कंपनी ने पे करा, तो रियलाइजेशन टू कैश या फिर बैंक, रियलाइजेशन टू कैश या फिर बैंक, बैंक से पैसे चले गए, क्या हो गया, एसेट कम हो गया, क्या कर देंगे, क्रेडिट। बच्चों वाला क्वेश्चन आगे, पी आ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। पी एक पार्टनर था, अपॉइंट हुआ, क्या देखना था उसको, पूरा प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, फॉर विच ही वॉज अलाउड अ सैलरी। हमने उसको कितना प्रॉमिस करा कि भाई तू डिसोल्यूशन करवा दे, हम तेरे को कितने पैसे दे देंगे, 7,000 रुपए दे देंगे। पी एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, पी ने क्या बोला, डिसोल्यूशन में जो भी खर्चा आएगा वो भी मैं कर दूंगा। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ 4,000 वर पेड बाय पी, कितने का खर्चा पी ने पे करा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का, 4,000। हमसे कितने की बात हो गई थी, 7,000। तो हमें उससे मतलब नहीं है कि हमने उसको 7 दी और उसने 4 खर्चा करा, 3 का उसका प्रॉफिट हुआ, वो तो उसकी अकाउंट्स है, मेरी अकाउंट्स क्या है, मैंने कितना प्रॉमिस करा था, 7,000। तो मेरी तो लाइबिलिटी कितने से बढ़ जाएगी, 7,000 से। तो रियलाइजेशन टू पीस कैपिटल कितना हो गया बच्चों, 7,000। मुझे मतलब नहीं है उसने 4,000 में काम कर दिया, 2,000 में काम करा, मुझे मतलब है 7,000 से, कंपनी की लाइबिलिटी 7,000 से बढ़ी है। आगे चलते, एंड अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। एंड एक पार्टनर को अपॉइंट करा फिर दोबारा से, वो डिसोल्यूशन देखने वाला था, फॉर विच ही वॉज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 9,000। कंपनी ने क्या बोला, भाई तू सारा डिसोल्यूशन का प्रोसेस कर दे, कितने पैसे देंगे तेरे को, 9,000। एन एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, एन ने क्या बोला, ठीक है 9,000 में जो भी खर्चा होगा वो भी मैं पूरा कर दूंगा। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 4,000 वाज पेड बाय द फर्म, कंपनी ने कितने पे कर दिए भैया, 4,000। प्रॉमिस कितने का हुआ, वर पेड बाय द फर्म, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, पेड बाय पार्टनर। देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन और फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर एंड में 4,000 का खर्चा किसने पे करा था, पार्टनर ने, पार्टनर की जिम्मेदारी थी, पार्टनर ने पे करा, लेकिन यहाँ पे जिम्मेदारी किसकी थी, पार्टनर की, एन की। एन एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, एन की जिम्मेदारी थी, लेकिन भाई पे किसने करा है, फर्म ने पे कर दिया। तो ध्यान से जनरल एंट्री क्या पास करोगे, लिखाओ जल्दी से, जनरल एंट्री क्या पास कर दोगे, सबसे पहली तो कंपनी ने उसको 9,000 रुपए दिए, तो कंपनी की लाइबिलिटी कितने से इंक्रीज हो गई, 9,000 रुपए से, लेकिन जो 4,000 का जो खर्चा था किसको पे करना था, एन को पे करना था, लेकिन मैंने पे करा, कंपनी ने पे करा, तो कंपनी अपनी लाइबिलिटी क्या कर देगी बच्चों, कम कर देगी। तो एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना कर दोगे, 4,000 रुपए, 4,000 रुपए, बिकॉज दिस वॉज द लाइबिलिटी जो कि एन को पे करनी थी, लेकिन किसने पे कर दी, देखो कंपनी ने पहले प्रॉमिस करा एन को कि एन कितने पैसे दूंगा, देखो 9,000। एन ने क्या बोला, ठीक है मैं 9,000 में सारे डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस भी मैं कर दूंगा, लेकिन एन में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 4,000 किसने पे करे, कंपनी, जिम्मेदारी थी एन की लेकिन कंपनी ने पे करा, तो कंपनी उसकी लाइबिलिटी को क्या कर रही है, कम कर रही है, कंपनी की जेब से पैसे जा रहे हैं, तो यहाँ पे टू कैश या फिर बैंक कर दिया, एसेट अपना क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया। यस किताब ये कहीं मतलब एंट्री नहीं कर सके रियलाइजेशन टू एन के पहले मतलब सीधा 5,000 लिख देंगे तो इतना दिमाग लगा सकता, लगा ले कोई बात नहीं, कंप्लीट कर अब वो तो तू कंबाइन कर रहा है ना, कंबाइन कर ले, दो अलग अलग सिंगल सिंगल करना है, सिंगल सिंगल कर ले, ठीक है डन। बच्चों दो एंट्रीज होंगी इसमें। आगे क्यू अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। क्यू को हमने अपॉइंट कर, हमने क्या बोला, भाई तू मेरा डिसोल्यूशन करवा दे, जिसके लिए मैंने उसको कितने पैसे दिए, 18,000। क्यू एग्री टू टेक ओवर द स्टॉक वर्थ, क्यू क्या ले जाएगा इस लाइबिलिटी के अगेंस्ट, मेरी लाइबिलिटी थी 18,000 देने की, लेकिन मैंने उसको पैसे ना देके क्या ले गया, वो मेरा स्टॉक ले गया एज इज रेम्यूनरेशन। द स्टॉक हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू, स्टॉक किस पे ट्रांसफर हो गया था, रियलाइजेशन। बेटा जब एक स्टॉक किसको ट्रांसफर कर देते हैं, लाइबिलिटी के लिए ट्रांसफर कर देते हैं, एसेट किसके साथ कट गई, लाइबिलिटी के साथ कट गई, उस केस पे हमें कोई जनरल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं होती, उसके केस में जनरल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं होती, तो आपको कोई जनरल एंट्री यहाँ पर पास करने की जरूरत नहीं है, नीदर फॉर रेम्यूनरेशन नॉर फॉर द एसेट टेकन ओवर। अगर आप बोलते हो कि सर जनरल एंट्री पास करनी है, तो जनरल एंट्री क्या पास करोगे, क्यों हमारा क्या ले गया,
हमने पहले क्या बोला कि क्यों तेरे को हम क्या देंगे, रेम्यूनरेशन देंगे, तो हमारी पहले लाइबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब जब वो हमारा स्टॉक ले गया तो वो वाली लाइबिलिटी क्या हो गई, हमारी कम हो गई। और एसेट किस में पड़ा हुआ था, रियलाइजेशन में, तो जान भी किसकी जाएगी, रियलाइजेशन की, तो क्रेडिट भी कौन होएगा, रियलाइजेशन, क्योंकि जब एसेट ट्रांसफर हुआ था रियलाइजेशन में तो हमने क्या करा था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, और अब यहाँ पे रियलाइजेशन जिसको हमने डेबिट करा था उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो बोल दो तो ये एक तरीके से मेरे को क्या दिख रहा है इसके अंदर सर, स्टॉक ही तो दिख रहा है, टू स्टॉक, स्टॉक जा रहा है। तो बच्चों इसी के साथ आपके जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, आपके फिनिश हो जाते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस जिसके अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन का अकाउंट बनाएंगे। और ये तो बहुत ही सिंपल है, रियलाइजेशन का अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है। चलो अभी आपको कुछ पूछना है इसके अंदर, पूछ लो जल्दी से, 1 मिनट दे रहा हूँ, फिर मैं दूसरे लेवल का क्वेश्चन करवाऊंगा। चलो आप देखो ध्यान से देख लेना, ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ईजी। ऐसे अब हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं आगे। शांति, सत्या आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1। ऑन 31 मार्च 2023 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। बेटा इसके अंदर जो है ना टॉपिक की अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे मार्क्स मिल जाते हैं आपको, फ्री के मार्क्स। कैसे मिलते हैं मैं आपको लोगों को बता देता हूँ, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, बस कॉपी पेस्ट ही मारना है कुछ चीजों को, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, अगर आप कंपनी को बंद कर दे तो उसकी बैलेंस शीट को आपको क्या करना है, जीरो। एसेट्स भी जीरो करने और लाइबिलिटीज भी क्या करनी है, जीरो करनी है। तो बच्चों ये पूरी की पूरी बैलेंस शीट किस में ट्रांसफर करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट में। कैश अकाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर मत करना, बिकॉज कैश बिकता नहीं है, कैश की अपनी खुद की कोई वैल्यू है, उसको रियलाइजेशन अकाउंट में मत डालना। अब देखो अपने पास बैंक था तो बैंक को रियलाइजेशन में मत बेचना। कौन सा अकाउंट बनाओगे, बैंक अकाउंट का एक अलग से लेजर बना दोगे। डेटर्स को भेज देना, स्टॉक को भेज देना, गुडविल को भेजना, फर्नीचर को भेजना, मशीनरी को भेजना, और ये किसका अकाउंट गिवन है, शांति का करंट अकाउंट गिवन है। तो ये भी आपका किस में नहीं जाएगा, रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। कैपिटल अकाउंट सारे कैपिटल अकाउंट बनेगा, करंट अकाउंट के लिए करंट अकाउंट बनेगा, कैश और बैंक का अपना अलग लेजर बनेगा। बाकी सारी चीजें किस में ट्रांसफर करनी है, रियलाइजेशन में। क्रेडिटर्स रियलाइजेशन में जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन जाएगा, सत्या की करंट अकाउंट, और इन दोनों का कैपिटल अकाउंट का क्या खुलेगा, लेजर्स खुलेंगे। द फर्म वॉज डिसॉल्व। देखो अब नीचे पहले आपको एडजस्टमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले एडजस्टमेंट मत पढ़ना, जो बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से मानो। पहले इस बैलेंस शीट को क्या करो, सारा का सारा लेजर्स में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। पहले कभी भी क्या नहीं पढ़नी आपको, एडजस्टमेंट नहीं पढ़नी, क्योंकि अगर आपने एडजस्टमेंट पढ़ा और कोई भी चीज मुश्किल निकल गई तो क्या हो जाता है, फिर डिमोटिवेट हो जाती है। अब देखो पहले क्या करना है, डेटर्स, स्टॉक, गुडविल, फर्नीचर और मशीनरी, सारा का सारा किस में ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन टू एसेट्स, डेटर्स, स्टॉक, गुडविल, फर्नीचर, मशीनरी, ये सारी चीजें यहाँ पर आ गई बच्चों। यहाँ तक अगर मैं बोल दूँ ये सारा का सारा क्या करा, सिर्फ बैलेंस शीट से ट्रांसफर, ये सारी चीजें खत्म। अब यहाँ से देखो, क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन फंड की ना हम दो चीजें कर सकते हैं, रियलाइजेशन में भी ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर सीधा सीधा पार्टनर्स के बीच में भी बांट सकते हैं, ठीक है। दो ऑप्शन होते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। तो 45 और 40, कितना, 45 और, चलो 40 इसमें नीचे बांट दिया होगा, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं कर रखा, ठीक है। तो 45,000 मैंने क्या कर दिया बच्चों, किस में ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन के अंदर। वर्कमैन कंपनसेशन फंड का मतलब क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर ये यूज हो जाता है तो ठीक है, यूज नहीं होता तो इस पे हक किसका होता है, पार्टनर्स का, किसके बीच में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स के बीच में आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बच्चों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है 2 लाख के और 1 लाख के, तो कैपिटल अकाउंट ओपन कर लो जल्दी से यहाँ पे। अच्छा ये सिर्फ रियलाइजेशन बनाने की बोल रहा है क्या, चलो सिर्फ रियलाइजेशन बनाने की बोल रहा है, अभी आपको सिर्फ क्या बनाना है यहाँ पे, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे ना तो कोई कैपिटल अकाउंट जाएगा, ना कोई करंट अकाउंट जाएगा, ना कोई बैंक अकाउंट जाएगा, और कुछ आपको नहीं बनाना, सिर्फ क्या बनाना था यहाँ पे, रियलाइजेशन बनाना है। अब नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, शांति स्टॉक ले गई कितने का, 40% का, 10% लेस देन द बुक वैल्यू। तो स्टॉक देखो कितने का था, स्टॉक कितने का था, 85,000 का। 85,000 का पहले क्या निकालोगे, 40%, तो 85,000 का आप लोग 40% निकालोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 85,000 का 40%, 3,600, 34,000, 34,000, कितना आ जाएगा, 34,000। और वो किस पर लेकर गई है, 10% लेस, तो इसमें माइनस कितना परसेंट कर दोगे, 10%, तो माइनस कितना कर दोगे, 3,400, कितना हो गया, 30,600। तो शांति स्टॉक कितने का लेकर गई, 30,600 का। चलो तो स्टॉक अगर लेकर गई है शांति, तो बनी उसकी कैपिटल्स बढ़ेगी कब होगी बेटा, अगर शांति स्टॉक लेगी 30,600 का, उसकी कैपिटल बढ़ेगी कम होगी बेटा, अभी रुक जाओ कोई नहीं बोलेगा। बताओ ना, गलत बताओ, बताओ तो सही, कौन सा मैं डांटता हूं कभी।
लेकिन बोलोगे नहीं तो क्या होगी? नहीं, देखो मान लो मैंने आपको पैसे देने थे, लाइब कैपिटल्स क्या होती है, कंपनी की लाइबिलिटी है ना, जो कि मालिकों को वापस करना है। तो मान लो मुझे आपको 1 लाख रुपीज देने थे, आप मेरा लैपटॉप ले गए, तो अब मेरी जो लाइबिलिटी है जो 1 लाख की थी वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। मान लो आप मेरा 50,000 का लैपटॉप ले गए, तो अब मैं आपको सिर्फ कितने पैसे दूंगा? 50,000। ऐसी जो शांति जो पार्टनर जो थी वो कंपनी की क्या ले गई? स्टॉक ले गई। स्टॉक ले गई ना वो, तो कंपनी अब जितना वो स्टॉक लेगी उतने से अपनी लाइबिलिटी को क्या कर देगी? कम। और कैपिटल तो इंटरनल लाइबिलिटी तो होती है। कैपिटल का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी, जो कंपनी को मालिकों का पैसा वापस करना है। तो लाइबिलिटी को जब कम करोगे तो क्या करना है? डेबिट करना है। तो शांति इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। शांति इज कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन क्या होगा बेटा? क्रेडिट होगा। और यहाँ पे क्या लिखोगे? देखो भाई, शांति इज कैपिटल कितना? 30,600। ठीक है, डन, यस, आगे। एंड रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर, बाकी का स्टॉक कितने का बिक गया? 40,000। तो कंपनी के बैंक में कितने पैसे आ गए? 40। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो फिर रियलाइजेशन के किस साइड पे जाओगे? क्रेडिट साइड पे। और यहाँ पर कितने का लिख दोगे? स्टॉक देखो कितने का बिक गया, बाय बैंक के नीचे स्टॉक कितने का बिक गया? 40,000। सिंपल, यस, आगे। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड फॉर, एक इन्वेस्टमेंट थी जो यहाँ पर देख रहे हो कोई रिकॉर्डेड ही नहीं थी, कोई इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के एसेट साइड पे कोई इन्वेस्टमेंट थी नहीं, वो कितने की बिक गई? 20,000 की। तो कितने पैसे आ गए कंपनी के पास? 20,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फिर कितने पैसे आ गए बच्चों, बताओ? इन्वेस्टमेंट के नाम के कितने पैसे आ गए? 20,000। यस, ठीक है, आगे। डेटर्स रियलाइज, डेटर्स कितने के बिक गए? 55,000। तो बच्चों यहाँ पे देखो डेटर्स के आगे कितनी वैल्यू डाल दी? 55,000। एक आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर था 19,000 का, वो आपने क्या कर दिया है? पे कर दिया। तो अगर आपने बिल पे करा है, लाइबिलिटी पे करी है, तो कंपनी का बैंक बैलेंस क्या होगा? कम होएगा। तो टू बैंक अकाउंट होएगा। तो रियलाइजेशन टू बैंक, तो बैंक में कितना पे करा आपने? 19,000 रुपये आपने क्या कर दिया? पे कर दिया। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा। देखो डेटर्स का हमने 55,000 लिख लिया, स्टॉक का भी काम हो गया। गुडविल के बारे में क्वेश्चन में कुछ बोला है? नहीं बोला ना, गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं बोल रखा। अब क्या मान लेंगे सर, गुडविल बिक जाएगी क्या? बोलो, यहाँ पे बेची तो नहीं है हमने गुडविल? तो यहाँ पे तो कोई भी गुडविल की वैल्यू नहीं लिख रखी। गुडविल को तो क्या कर दोगे? अपना हटा दोगे। बात करते हैं किसकी? फर्नीचर की। फर्नीचर के बारे में कुछ बोल रखा है? हाँ, फर्नीचर के बारे में। अच्छा हाँ, फर्नीचर रिलाइज 80,000। तो फर्नीचर यहाँ पे कितने का बिक गया बोलो? 80,000 रुपये का बिक गया। मशीनरी के बारे में कुछ बोल रखा है? नहीं बोल रखा ना, 70,000 रुपये का। तो अगर कुछ भी नहीं बोल रखा तो आप क्या मानोगे? सेम अमाउंट से वो क्या हो जाएगी? बिक जाएगी। सेम अमाउंट से क्या मान लोगे? बिक जाएगी। तो यहाँ पर देखो एक्चुअल में मशीन के बारे में कुछ नहीं बोल रखा था, फिर भी मैंने क्या एज्यूम कर लिया कि मशीन कितने की बिक गई होगी? बुक वैल्यू, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू नहीं गिवन। बाकी सारी एसेट्स की क्या गिवन थी आपको? मार्केट वैल्यू गिवन थी। जिस भी एसेट की आपकी मार्केट वैल्यू नहीं गिवन, तो बुक वैल्यू पे उसको क्या कर देना? बेच देना, क्योंकि हर एसेट तो भैया बिकेगी बिकेगी। बेटा दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, लाइबिलिटी। आप बोलो तो आउटस्टैंडिंग बिल्स के लिए तो बोल रखा था कि 19,000 रुपये हमने पे करा, लेकिन यहाँ पे क्रेडिटर्स थे ना 45,000, उसके बारे में तो बोल नहीं रखा कि हमने क्रेडिटर्स को पे करा या नहीं करा। तो हमेशा आप क्या अज्यूम करोगे कि हम लाइबिलिटीज क्या कर देंगे? पे ऑफ कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपने क्रेडिटर्स को कितना पे कर दिया? 45,000 पे कर दिया। टोटलिंग लगा लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा 98,400 का। और वो लॉस पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा किस रेशियो में? 4:1। किसमें बांट दोगे? 4:1। किसमें बांटोगे? 4:1। अब ध्यान से देख लो, देखो सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आगे चल के हम लोगों को करने हैं अच्छे बड़े लेवल पर। थक कैसे गया आज तुम लोग इतना? टेस्ट था क्या स्कूल में? पेपर था कौन सा? इको का कैसा हुआ बाल को? क्यों, अरे कौन सा ऐसा क्या छूटा हुआ था तुम्हारा? सिलेबस, लोन बाय पार्टनर, लोन बाय पार्टनर, लोन बाय अ पार्टनर, लोन किसने दिया है? बाय अ पार्टनर टू द फर्म इज नॉट एन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। कभी भी किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है, किसने लोन दे रखा है? पार्टनर ने लोन दे रखा है, तो वो कौन सी लाइबिलिटी है बेटा? सबसे पहले किसको पे करना होता है? आउटसाइड लाइबिलिटीज। फिर किसको पे करना होता है? पार्टनर्स के लोन को पे करना होता है। फिर पार्टनर्स की कैपिटल को आपको क्या करना होता है? पे करना होता है। तो जब भी क्वेश्चन में क्या गिवन है? पार्टनर्स लोन। अब वो कंपनी के लिए तो लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी सारी किस अकाउंट में जानी चाहिए? रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे जानी चाहिए। लेकिन आपको ट्रांसफर नहीं करना,
पार्टनर्स लोन सीधा कहाँ पे सेटल ऑफ कर दोगे, सीधा बैंक अकाउंट से उसको क्या कर दोगे, पे ऑफ कर दोगे, उसको रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाने की जरूरत नहीं है। इट इज ऑल्सो नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। देखो कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर नहीं करना, बिकॉज इट इज पेड आफ्टर पेमेंट ऑफ, कब पे करना होता है, सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे करने के बाद आप पार्टनर्स के लोन के पैसे देते हो, बट बिफोर पेमेंट ऑफ कैपिटल्स। तो इसको सीधा किससे पे करोगे, कैश या फिर बैंक अकाउंट से पे कर दोगे। अब आपने अगर पे कर दिया लोन बाय पार्टनर को, तो आपकी लाइबिलिटी क्या होगी, कम होगी। लाइबिलिटी कम होगी तो क्या करोगे, डेबिट। और बच्चों पैसे किससे कट गए, बैंक अकाउंट से कंपनी के, तो एसेट कम होगी, उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, तो कभी भी अगर पार्टनर्स का लोन अकाउंट गिवन है बैलेंस शीट के अंदर, तो नेवर टू ट्रांसफर इन द रियलाइजेशन अकाउंट, और ना ही कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सीधा किससे पे ऑफ कर दोगे, अपने कैश या फिर बैंक अकाउंट से आप लोग इसको डायरेक्टली पे ऑफ कर दो। ठीक है, चलो है, क्या बात कर रहे हो, ये तो 15 मिनट है, कोई बात नहीं। लोन बाय फॉर्म टू पार्टनर, भैया लोन बाय फॉर्म, फॉर्म ने लोन दे रखा है किसको, पार्टनर को। लोन बाय फॉर्म टू पार्टनर इज एसेट फॉर द फॉर्म। अब मान लो पार्टनर ने कंपनी का पैसा क्या कर दिया, वापस कर दिया, तो एंट्री क्या पास करोगे, कंपनी ने लोन दे रखा है किसको, पार्टनर को, वो कंपनी के लिए क्या है, एसेट, और पार्टनर ने वो पैसा क्या कर दिया, वापस कर दिया, तो कंपनी के पास क्या आ गया, पैसे आ गए बच्चों, कैश या फिर बैंक अकाउंट। ये वाली एसेट अगर इंक्रीज हो रही है, उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे, और कंपनी की जो एसेट थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और एसेट कम होगी तो उसको क्या करना है, क्रेडिट कर देना। तो ध्यान से खेलना है, अगर अगर देखो ध्यान से मेरे साथ बनाओ, जल्दी से ड्राइंग करो मेरे साथ जल्दी से। लोन फ्रॉम पार्टनर, लिखो जी फटाफट से मेरे साथ साथ, हेडिंग डालो, लोन फ्रॉम पार्टनर, इट इज लाइबिलिटी फॉर फॉर्म एंड इज पेड आफ्टर सेटलमेंट ऑफ आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, हेंस नॉट शोन इन रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। इट इज टू बी पेड ऑफ डायरेक्टली फ्रॉम कैश और बैंक अकाउंट। इसको डायरेक्टली किस से पे कर दोगे, कैश या फिर बैंक अकाउंट से डायरेक्टली इसको पे ऑफ कर दोगे। जनरल एंट्री क्या पास करोगे, आपकी लाइबिलिटी थी, आपने लाइबिलिटी पे कर दी, तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी, तो एंट्री लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक 10 10 लाख रुपए। मान लो 10 लाख रुपए का लोन था, तो आपने पे कर दिया। ठीक है, तो लोन फ्रॉम पार्टनर, लोन फ्रॉम पार्टनर, रक्षिता बेटा पढ़ाई पे फोकस करो, और एक क्या है बेटा आपका, लोन टू पार्टनर। ये क्या है, लोन टू पार्टनर, इट मींस पार्टनरशिप फॉर्म एज ग्रांटेड लोन टू, लिख रहा है सौ तो लोन टू पार्टनर, हेंस इट इज
एसेट ऑफ कंपनी। व्हेन लोन अमाउंट इज पेड बाय पार्टनर। टू, पार्टनरशिप फॉर्म। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी फिर यहाँ पर आपकी? जनरल एंट्री कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट। क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट। तो क्या खत्म हो रहा है? कंपनी का एसेट। तो लोन टू पार्टनर। कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को बहुत ज्यादा, तो इसलिए ध्यान से समझना। यहाँ पे पैसे आ रहे हैं, सीरियस तो सीरियस क्यों यार? पढ़ाने के लिए टाइम तो सीरियस रहना पड़ेगा। लोन टू पार्टनर। बड़ा सिलेबस बहुत सारा है अभी तुम लोग को। हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो। देखो मेरी भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मैंने भी तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो मेरी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, मैं आपका डांस टीचर होता तो मैं आपको डांस सिखा रहा होता अभी। अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की पढ़ाने की है। किसकी? डांस की? खुद कर लेते हैं। अच्छा करवाऊंगा बेटा, उसमें भी प्रैक्टिकल्स ही पढ़ेंगे तो आज उसमें बोरिंग नहीं लगेगा, उसमें भी प्रैक्टिकल ही पढ़ना है।